नमस्कार, चुनावी हलचल में मैं हूं आपके साथ संजय पूनिया। हमारी टीम है आज अमरपुरा जालू में। हमारे साथ है पूर्व सरपंच पति और अब की बार सरपंच पद के उम्मीदवार श्री मनोज जी मुंड। आइए जानते हैं उनके विचार इस चुनाव में क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे एक खास प्रोग्राम चुनावी हलचल में। आप हमें ये बताइए कि आप अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा, पिछली बार आप सरपंच पति भी रहो, आपके क्या बेस है, क्या स्केल पे आप चुनाव लड़ रहे हो, किस स्केल पे? सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम का मेरे ग्राम पंचायत में पधारने पर मेरी तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। जब तक मेरे काम को, मेरे व्यवहार को, गांव मेरे परिवार ने पिछले 15 सालों बड़ी नज़दीक हूँ देखे है, मेरा काम करने को तरीको और जो मैं काम करे है दो प्लान में भी बेस परी और गांव गांव की खास तौर हूँ जो को हमारे सागे बड़े लंबे टाइम लोग जुड़ रहे हैं, बाकी डिमांड पर मैं दोबारा जो है ग्राम पंचायत के चुनाव में उतरी हूँ। क्या मुद्दे रह गए आपके, क्या क्या काम रह गए जो आपको अभी करने बाकी है, जो इस गांव के में अभी भी आपको लगता है कि ये काम इस और बढ़िया मैं कर सकता था लेकिन समय का अभाव था, तो वो क्या क्या काम रह गए? सारो मोटी जगह काम ही गाँव में अजय भी बाकी है। स्वच्छता खातर गलियाँ सारो ज़्यादा जगह साफ सुथरी रखने भी, नालियाँ और सीसी ब्लॉक को जो काम हुई गांव में वो मैं बहुत कम कर पायो। बिंगो कारण हो के जब मैं सरपंच बने आज सारों कृषि प्रधान गांव ने देखता सारों ज़्यादा काम बाकी हो खड़ा हूँ। पिछले 5 साल के कार्यकाल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मारो जोर जो है जमींदार के पानी की सहूलियत खातर खड़ा पर रखियो। अब आगे खड़ा को काम 90% नहीं तो 95% तक मैं कंप्लीट कर चुका। आगे मेन मेरे जो निशानो स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वस्थता पर रहो और शायद भगवान चाहो और मैंने ग्राम पंचायत की जनता द्वारा मौको दियो तो मेरा जगह पिछला 4.5 करोड़ को जो काम है बिन देख गए मैं ग्रामवासियों ने भी चैनल के थ्रू विश्वास दिला सकूँ कि मैं निशानो जगो नरेंद्र मोदी आलतरिया पहली तय करके चलूँ। आज मेरे चुनाव में भी एक लक्ष्य है कि +1000, तो मैं वो पिछली बार भी क्यों कर +3 करोड़, आज मैं कहूँ कि 9 करोड़ हूँ अगर नीचे अगले प्लान में मैं रहूँ तो दूर भगो कि मैं काम कर कहूँ। ईमानदारी की बात है कि सिर्फ काम भी उतरे हूँ, कोई कमाई की लालसा को नहीं, कोई पद की महत्वाकांक्षा को नहीं, और मैं गाँव में कसर खोरण दूँगा। वो मैं इस चैनल के मार्फत गाँव ने विश्वास दिलाऊँ चाहूँ कि मैं काम की कमी खोरण दूँ। बहुत बड़ी सोच है आपकी, जितने बड़ा आपका व्यक्तित्व तो उससे बड़ी आपकी सोच है। आप हमें अंत में आप अपने जो प्रशंसक है, आपके जो यहाँ पे मेन रूप से जो माने जाए आपके जो वोटर्स है, आप उनको क्या उम्मीद दिलवाते हो कि मैं इस काम में और बेहतर तरीके से कर पाऊँगा? सबसे पहले मैं वोटर ने, मेरे सपोर्टर ने वो विश्वास दिलाऊँगा कहीं गाँव में शांति प्रिय तरीकों अगर विकास कराने की इच्छा रखूँ तो वो मैंने परख रखे है। इन वास्ते बी लाइन कदे भी को नहीं उतरूंगा, ओछी सोच पर जाके मैं राजनीति कौन करूँगा। चुनाव आ रहा हूँ जीतूँ गांव के हाथ में है, पर ओछी सोच की राजनीति ना मैं पीछे करी है ना मैं करने की कोशिश करूँगा। गांव मैंने मौको देवा वो मैंने गाँव गाँव पर पूरा विश्वास है। गाँव बोल गए कहने लग रहे है कि अभी तेरे काम बोले और मौको दियो तो मैं मैंने वो विश्वास दिला सकूँ कि बंगी जको मेरे पर भरोसा हुआ वो बी पर 100% नहीं 200% खड़े उतरूँगा। ई बात वो कत्ते ही मैं झटे बचाओ विश्वास दिलाने तैयार हूँ। बंगे भरोसा ने कटी आँच को नहीं आने दूँ, बंगे मान सम्मान ने कटी आँच को नहीं आने दूँ, वो एक एक वोटर ने मैं विश्वास दिलाऊँ। धन्यवाद मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं इस चैनल के साथ, काफ़ी समय से आप जुड़े हो इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं बधाई देते हैं। आगामी चुनाव में आपकी विजय श्री हो। धन्यवाद। मैं मनोज मुंड अपनी तरफ से पूरे इलाके की जनता, मेरी ग्राम पंचायत के एक एक मतदाता, एक एक वर्कर मेरा जो है उनको सबको नववर्ष मकर संक्रांति और लोहड़ी के पावन पर्व की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमारी टीम पहुंच चुकी है शाहपिनी के अंदर। शाहपिनी एक संगरिया पंचायत समिति का एक ग्राम पंचायत है। यहां पे सरपंच पद के उम्मीदवार है श्री जलंधर सिंह जी ब्राड। आइए जानते हैं उनके क्या विचार है इस चुनाव को लेकर। जलंधर सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप हमें ये बताइए कि अगर आपको जनता मौका देती है तो आप गांव में क्या क्या चीज़ करवाना चाहोगे, क्या क्या विकास कार्य करवाने चाहोगे? हाँ जी, पहला तत्थ जोड़ के बेनती है जी, बाकी जी आपको जनता मौका दिंदी है, आप जो पिंड का विकास है, जो पहला पार्टियां दो पार्टियां के धड़े से अज तक विकास नहीं हुआ पिंड का, जनता इस कारण मौका दे रही है कि आप पिंड का विकास करें।
भी जे बंदा सही विकास कर सकता है। इस कारण आप चुनाव सिर्फ आपू मन पिंड के थ्रू ही लड़ा रहे, अपन जनता के थ्रू ही आप चुनाव लड़ी जाने। एक बीजेपी के कैंडीडेट हो गए चुनाव लड़ी जाने, वो याद खड़े होकर लड़ते हैं। अपन पिंड का विकास करने वास्ते लोगों ने समर्थन बहुत ज़्यादा दे जाते हैं। इस तरह आपको क्या लगता है, क्या क्या कमियां हैं आपके गांव में जिनको आप दूर करना चाहोगे? अगर आपको जनता मौका देती है, आप यहां पे सरपंच बनते हो, तो आप गांव में क्या क्या कमियों को दूर करना चाहोगे? कमियां तो बाकी जी तुसी देख ही रहे हो मौके पे, इस टाइम कोई गली की कोई सफाई नहीं है, सारी गंदगी फैल चुकी है, कोई जोड़े की सफाई नहीं है। असं वो सफाइयां दूर करना चाहते हैं। बाकी होर जो भरा मेरे नाल गरीब जुड़े हुए हैं, उन्होंने गरीबी भी आप दूर हटानी चाहते हैं जी, एक बार अपन मौका दे जाए तो। जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे कि आपको वोट क्यों दें, आपको क्यों जिताएं, आप क्या अपील करोगे अपने वोटरों से? जनता मुझे हाथ जोड़ के बेनती है कि एक बार आप पांच साल का मौका दे के देख लें। चुनाव तो आता जाता ही रहा है, जो इन्हों का विकास है, जो अपने पिंड का गरीबी का दावे है, जिमें चैंत कार्ड के ना नहीं इन्होंने कट्टे हुए है, जिमें इन्हों के राशन कार्ड बने हुए, इन्हों अपने नाम का कणक नहीं मिल रही, कणक दियां मोहरां लग गई नहीं हुई, जो जेडे गरीब घर है जेडे इस टाइम कैंडीडेट मौके पर लड़ी जाते हैं, उन्होंने अपने कार्डों के उत्ते मोहर लगी हुई है। जो गरीब बंदे अपने इस टाइम सामने खड़े है, इन्हों का कोई बंदा कह दे भी साढ़े गरीब कार्ड पर मोहर लगी है कणक लैन वास्ते, नहीं लगी, वो भी आप इन्हों का एक फायदा करांगे। जो सरकार कन्नी कणक आ रही है, वो तो दोनों पार्टियां खाई रही हैं। एक तीसरा युवा से मोर्चा तैयार किया है कि इन्होंने मदद कर सकी। बहुत अच्छी सोच है आपकी, युवा जो के साथ साथ आपको थोड़ा सा बुज़ुर्गों का साथ भी मिल रहा है, जो गांव के अंदर हमने माहौल देखा है। एक सबसे बड़ी कमी होती है गांव के अंदर नशा। हाँ जी, नशा नाश है। हाँ जी, इसके ऊपर आपके क्या कदम रहेंगे, आप इसको दूर करने के किस प्रकार कदम उठाएंगे? असी जी नशा मुक्त के नाल सहमत हो के, नशा मुक्त तो जो लोग अपने नाल नौजवान पीढ़ी जुड़ी हुई है, उन्होंने भी याद कराने की कोशिश करांगे जी असं। बहुत अच्छी सोच है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े। हमारी और पूरे टाइम टीवी और बिकाना न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बधाई, आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी सोच है, युवा जोश है आप में, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ से पिनी गांव शाहपिनी, जो सरपंच का मैं चुनाव लड़ी जाना, मेरे वनियों धन्यवाद। लोहड़ी दी नवें साल की मुबारक होना, जो साथी मेरे नाल जुड़े हुए है उन्हों का मैं बहुत धन्यवाद करता है। मेरे वालों मेरे पिंड मेरे पिंड वासियों लोहड़ी दियाँ लख लख मुबारक, नवें साल दियाँ लख लख बधाइयां।